मुख्य परीक्षा के लिए आप ये कोशिश करो, फ्लो चार्ट का प्रयोग करो। फ्लो चार्ट के माध्यम से क्या है, आप अपनी जो बात है बहुत ही संक्षेप में कह सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आपसे पूछे गुड गवर्नेंस, ठीक है, तो गुड गवर्नेंस के लिए आपने एरो बनाया। गुड गवर्नेंस के एरो के अंदर 6 विशेषताएं बताई, विधि का शासन, संविधानवाद पर आधारित, फिर आपने लिखा स्मार्टनेस, फिर आपने लिखा ट्रांसपेरेंट, फिर आपने लिखा अकाउंटेबल, फिर आपने लिखा रेस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो सारी की सारी जो विशेषताएं हैं वो फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं। जैसे कि सपोज करो आपको गांधीवाद का दर्शन बताना है, तो आपने ऐसे एरो बनाया, ठीक है, फिर गांधी जी के महत्व को रेखांकित करने वाली सारी की सारी जो विशेषता है वो एरो के माध्यम से कह सकते हैं। जैसे आपने एरो ऐसे बना दिया गांधीवाद, है ना, या गांधीवाद का प्रभाव से पूछा तो गांधीवाद के प्रभाव पर एरो बना दीजिए, फिर प्रभाव किन किन क्षेत्रों के अंदर है, किस रूप के अंदर है, ठीक है। अब एरो के अंदर भी आप फिर डबल एरो बना सकते हैं, कैसे, जैसे आपने एरो बनाया गांधीवाद का प्रभाव, फिर आपने पॉइंट लिखा आर्थिक, फिर आर्थिक के आगे फिर 3 लाइनें आप लिख करके अपनी जो बात है वो कह सकते हो। तो एरो का मतलब है आप अपनी बात जो संक्षेप में कह सकते हो, क्योंकि जब वाक्य का प्रयोग करोगे तो कहा के कि मैं पर, ये जो भाषा है इस भाषा के माध्यम से बहुत सारे शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और बहुत बार शिक्षक की नज़र में भी चीज़ें नहीं आ पाती, लेकिन जब आप एरो बना देंगे या डायग्राम के माध्यम से अपनी बात कहेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप बात कह पाएंगे। जैसे कि सपोज करो आपसे पूछे राजस्थान के अंदर प्रजामंडल का महत्व, तो जो आप भाषा रूप में लिख रहे हो उसको टीचर तभी देखेगा जब आप या तो उस चीज़ को अंडरलाइन करोगे, हो सकता है फिर भी उसको इग्नोर कर दे, लेकिन अगर आप डायग्राम बना करके राजस्थान में प्रजामंडल के महत्व के माध्यम से आप लिखते हो, एक एरो करके उत्तरदायी शासन की स्थापना, फिर नंबर सामंतवाद का विरोध, जनता में जागरूकता, राजनीतिक जागरूकता, उत्तरदायी संस्थाओं की स्थापना, प्रतिनिधिक संस्थाओं की स्थापना, तो इस तरीके से जब लिखोगे आप तो शिक्षक की नज़र में बहुत जल्दी आएगी और आप कम शब्दों में अपनी बात कह पाएंगे। तो मुख्य परीक्षा के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए जो पाठ्यक्रम का जो टॉपिक है उसमें एरो बना करके लिखने की कोशिश करो, डायग्राम बनाओ और उस डायग्राम के माध्यम से अपनी बात शॉर्ट में कहो।